वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो एक नए ब्लॉग में सभी को खुश आमदीद। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करने लगा था। मौसम आप देख सकते हैं, पीछे जो है ना बादल आ चुके हैं सारा कुछ, जो है ना आज बारिश का फुल मूड है। मैंने वेदर चेक किया था अभी, तो जाकर ना मौसम की सूरत हाल का अपडेट चेक की, तो आज बारिश का फुल मूड है। 70% आज बारिश का इम्कान है। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ से मिट्टी उठाकर जो है ना दरवाज़े के करीब मैंने फेंकनी, तो वहाँ पर थोड़े से ना खड़े हुए पड़े थे, तो साथ में जो है ना दीवारों को पानी जा रहा था, तो इसलिए वहाँ पर मिट्टी डालेंगे। मैं रेडी लेकर आया हूँ, तो उसमें देखो है ना मिट्टी डालकर वहाँ पर डालेंगे। चले मैं अभी थोड़ी सी मिट्टी डाल लूँ, उसके बाद जो है आज हमने जो है ना लकड़ियाँ थोड़ी सी रखी हुई हैं वो लेकर जानी आ रहे पे, वो लकड़ी भी चिरानी है। पहले अभी जो है ना ट्रैक्टर उसको पंचर लगवाना है, उसका एक टायर पंक्चर हो गया था, तो उसको पंचर लगवाएंगे। मैं पहले जो है ना मिट्टी डाल लूँ, उसके बाद पंचर लगवाएंगे, उसके बाद हम लकड़ी चिराने जाएंगे। चलें बाद में फिर मुलाकात होती। मैं ट्रैक्टर के करीब आ चुका हूँ। ये वाला टायर पंचर है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ लगा हुआ। इसको नीचे से आप यहाँ से गुल्ला फिट करेंगे, और गुल्ला फिट करने के बाद इसको ना शॉप पे लेकर जाएंगे जहाँ से पंचर लगवाना। तो अभी मैं यही काम कर रहा हूँ। तो ये मिट्टी मैंने डाल ली है दरवाजे के साथ में, तो जो आना जहाँ जहाँ पर मिट्टी डालनी थी तो वहाँ पर मिट्टी डाल ली है। तो भाई अभी ये कुल्हाड़ी लेकर आए, इसको उसके साइज़ का करेगा, उसके साइज़ के करने के बाद उसके अंदर फिट करेगा, और फिट करने के बाद इसको शॉप पर ले कर जाएगा, और वहाँ से पंचर लगवा कर आएगा। फिर हम जाएँगे क्या करना, फाइनल पहले थोड़ी सी ज़मीन है उसको थोड़ा सा उखाड़ना है, थोड़ा सा हल उसमें चलाने, हल चलाने के बाद जो है ना हम आरे पर जाएंगे, और आरे पर जाने के बाद लकड़ी चलाएंगे। चलें जब हम आरे पर जाएंगे तो जब फिर तो ये भाई अभी उसकी साइज़ की कर रहा है, जो गुल्ला उसके अंदर फिट होना है ना उसके साइज़ की कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट तो होता ही है ना, ज़िम्मेदारी वाला काम है। बच के अब वो तो मार उतो उठ दी ही। आगा कर ला चल, भाई भी उल्टे काम कर रहा है। चलें ये उसकी साइज की होगी, ये उसके अंदर हाफ फिट कर रहा है। थोड़े जामन दे और तो ये आप देख सकते हैं गुल्ला फिट हो चुका है। तो ये अब इतना फर्क पड़ चुका है कि इस साइड से जो है ना टायर वो ऊपर उठ गया। पंचर है, पंचर होने के बावजूद इस साइड से ना टायर ऊपर उठ गया है। आप देख सकते हैं, आपको साइज चेक कराया, इतना सा था जो अब हवा थी। तो मैं ना अब सामान अंदर रख लूँ, जो सामान लेकर बाहर आए थे भाई पंचर लगवाने चला गया। तो चले भाई के आने का वेट करते हैं, उसके बाद बाकी ये ताबे साहब हैं, लेज खा रहे हैं साथ में बोतल पी रहे हैं। अभी अभी सो कर उठे हैं, नाश्ता करके सो कर सो गए थे। ताबे शे की कर दापे पापड़ खा दापे। चलिए तो अभी भाई आया नहीं पंचर लगवा कर, जब भाई आया गया पंचर लगवा कर, तो उसके बाद हमें आज ये काम लाजमी करना है। ना किया तो उसके बाद बारिश आ जाएगी, तो फिर 5-7 दिन में फिर रेस्ट करनी पड़ जाएगी। तो टाली की लकड़ी है तो उनमें घुन जो है ना बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो इसलिए उनको आज लाजमी जो है ना आर पर लेकर जाना है, तो उनको आज लाजमी टुकड़े करवाने हैं। तो चले भाई क्या
मौसम आप देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ यार। चेक करें यार, यार मेरी ये कमज़ोरी है इसलिए बार बार आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी कमज़ोरी है, ये नज़ारे ना मेरी कमज़ोरी है। सामने आप देख सकते हैं काली घटाएँ, दरख्तों का जो कलर हुआ हुआ है ना, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर मेरे पास डिवाइस अच्छी होती ना तो मैं आपको बताता कि दरख्तों का कलर जो जब काली घटाएँ आते हैं तो कैसे होते। अभी हम जाने लगे थे अरे पर, लेकिन ना काफ़ी तेज़ हवा चल पड़ी है और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। इस साइड पे आप सामने बादल देख सकते हैं, बिल्कुल गहरे बादल आ गए, तो बारिश का फुल इम्कान है। पीछे से बारिश इधर जो है ना, बादल इस साइड से इधर जा रहे हैं, तो हवा काफ़ी तेज़ है जो चल रही है। आप दरख्तों की रफ्तार देख सकते हैं मेरे ना, आपको आवाज़ में भी डिफरेंस आ रहा होगा, हवा का शोर आ रहा होगा। तो ये सामने आप मिट्टी भी देख सकते हैं किस तरह से ऊपर उड़ रही है, तो इस वजह से अभी जा नहीं सके। तो चलें, लाइक और वीडियो को लाइक लाजमी करें, लगाते थी तब तक लिए अल्लाह ने कहा चैनल को।